हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम हेयर विथ यू एंड दिस इज़ योर मैथ सेशन। प्रीवियस मैथ सेशन में मैंने आपको कराई थी बैक काउंटिंग फ्रॉम 10 to 1। आई होप आपको वो समझ आ गई हो। जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, यानी कि आगे चलते हैं, 1 2 3, उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड काउंटिंग, उसे कहते हैं फॉरवर्ड काउंटिंग। बट जब हम पीछे की तरफ आते हैं, 10 9 8 7 6, उसे कहते हैं बैक काउंटिंग। तो आई होप आपको वो समझ आई हो। आज हम सीखेंगे हमारी बैक काउंटिंग फ्रॉम 50 to 1। सबसे पहले 50, बताइए 50 से पहले कौन सा नंबर आता है? 50 से पहले आता है 49, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41। ये है 50 से 41 तक की बैक काउंटिंग। अब तक हमने सीखी थी फॉरवर्ड काउंटिंग, जिसमें हम लिखते थे 41 42 43 44 45 46 47 48 49 एंड 50। बट अब हम कर रहे हैं बैक काउंटिंग, तो इसमें हमें बैक चलना है, यानी कि पहले आ जाएगा हमारा नंबर 50, देन 49 48 47 46 45 44 43 42 and 41। अब देखिए 50 से पहले बताइए किसकी लाइन आती है बच्चों? 50 से पहले आती है 40 की। तो अब हम लिखेंगे हमारी 40 की बैक काउंटिंग। 40 और 40 से पहले आता है 39 नंबर, 39 से पहले आता है 38, देन 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31। ये है 31 से 40 तक की बैक। 31 से जब हम 40 तक जाते हैं, तो उसे कहते हैं फॉरवर्ड काउंटिंग, 31 32 33। बट अब हम 40 से 31 की तरफ, यानी कि बैक की तरफ आ रहे हैं, तो ये है बैकवर्ड काउंटिंग 40 से 31 की। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31। 31 से पहले बताइए किसका कौन सा नंबर आता है? 31 से पहले, 31 से पहले आता है 30। और हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, 40 से पहले आती है 30 की लाइन 30, और 30 से पहले आता है 29 28 27 26 25 24 23 22 21। ये है 30 की बैक काउंटिंग। 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21। इसी तरीके से अब हम 30 से पहले बताइए किसकी आती है, कौन सी काउंटिंग आती है? 30 से पहले आती है 20 की काउंटिंग, तो हम 20 की बैक काउंटिंग करेंगे। 20 से पहले आता है नंबर 19 18 17
16, 15, 14, 13, 12 and 11. ये है बैक काउंटिंग फ्रॉम 20 टू 11. 20 और 20 से पहले आता है 19. जब हमने फॉरवर्ड में सीखी थी तो हमारा पहला नंबर आया 11, 12, 13, 14. फॉरवर्ड काउंटिंग में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं नंबर इंक्रीज होते रहते हैं, बट बैक काउंटिंग में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं नंबर डिक्रीज होते हैं. हम 11 से 20 तक जाते हैं, उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड काउंटिंग. बट जब हमने उल्टा काउंट करना शुरू करा, बैक में काउंटिंग शुरू करी, तो वो है बैक काउंटिंग. तो हमारी बैक काउंटिंग में आया पहले 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 और अब हमारी 10, जो कि आपने प्रीवियस वीडियो में सीखी थी. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. तो ये थी स्टूडेंट्स 50 से 1 तक की बैक काउंटिंग. आपको इसे अपनी मैथ की नोटबुक में करना है और प्रैक्टिस करनी है इसकी, साथ ही साथ इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, लर्न करना है कि बैक काउंटिंग 50 टू 1 हमें किस तरीके से लिखनी है. और ये आपको अपनी मैथ नोटबुक में आज की डेट डालने के बाद करना है, ये आपका होमवर्क है. आई होप आपको ये अच्छे से समझ आई हो. हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में. बाय बाय.